गाजीपुर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमण का यह सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को गाजीपुर में कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीजों की पहचान हुई है। आइए आपको इन मरीजों के बारे में विस्तार से बताते हैं। एक मरीज मनिहारी शादियाबाद सैदपुर की रहने वाली है। इनका टेस्ट सैंपल 2 जून को लिया गया था, 8 जून को पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया है। दूसरे मरीज मठुचौरी खानपुर सैदपुर के रहने वाले हैं। इनका भी सैंपल 2 ही जून को लिया गया था। इन दोनों मरीजों की डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है। इन दो नए मरीजों के मिलने से गाजीपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 162 हो गई है। आपको बता दें कि अनलॉक 1 के तहत गाजीपुर में 8 जून यानी आज से धार्मिक स्थलों के साथ होटल और रेस्टोरेंट भी खोले गए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों का मिलना चिंता को थोड़ा जरूर बढ़ा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार का दावा है कि संक्रमण से निपटने की पूरी तैयारियां हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 9983 मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 206 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना संक्रमण देश के 3 जगहों पर गंभीर रूप से फैला हुआ है। इसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में तो खुद सीएम अरविंद केजरीवाल को बुखार और गले में खराश की शिकायत सामने आई है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। अब मंगलवार यानी कल उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बस्ती और गोरखपुर का निरीक्षण भी किया। सीएम ने गोरखपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, चिकित्सकीय व्यवस्था एवं दवाओं की उपलब्धता आदि की जानकारी भी ली। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।